इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री दीपक जैन दामाद, श्रीमती प्रीति जैन पुत्री, निहारिका जैन नातिन, अर्णव जैन नाती, श्री सौरभ जैन दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन पुत्री, अमायरा नातिन, आराध्या जैन नातिन, श्री नितिन जैन पुत्र, श्रीमती शिल्पा जैन पुत्र वधु, अद्वैय जैन पौत्र, अद्विका जैन पौत्री, बीएनए मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ फाइन ज्वेलरी, अद्वैय ज्वेल्स एलएलपी मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ डायमंड ज्वेलरी, 5 अंसारी रोड दरियागंज न्यू दिल्ली 110002। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री एकस्वार सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय हो। केकड़ी से श्रीमती मुन्नी देवी इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि श्री आदिनाथ जी बा भगवान महावीर स्वामी जी के शिष्यों को प्रतिक्रमण करना क्यों बताया गया है? अजितनाथ जी से और पार्श्वनाथ जी से काल में प्रतिक्रमण आवश्यक क्यों नहीं था? क्या दिगंबर मुनि के पंच प्रकार के व्रत कौन कौन और पंच प्रकार के व्रत कौन कौन से हैं, कृपया बताने की कृपा करें। प्रतिक्रमण तो मूल गुण तो था, लेकिन वो प्रतिक्रमण जब ही करते थे जब उनसे कोई दोष हो जाता था, और उन दोष होने पर प्रतिक्रमण करते थे। 28 मूल गुणों का अर्थ ये नहीं है कि वो हमेशा पाल क्रिया रूप में आते ही हैं। बाहुबली ने तो ना तो प्रतिक्रमण किया, ना एरिया समिति की, ना भाषा समिति की, और एक बार के अलावा केस लंच भी नहीं किया। तो क्या उनके मूल गुण नहीं थे? थे मूल गुणों का। तो पहले के वो जो मुनिराज थे, वे गलती होने पर ही, उनसे इतनी कम गलतियाँ होती थी तब कर लेते। अब वर्तमान में गलतियों पे गलतियां, कभी बुद्धिया बुद्धिपूर्वक कुछ ना कुछ हो ही जाता है, इसलिए अनिवार्य है उस समय कभी कभी था। नागपुर से मीना जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमो। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जिस व्यक्ति का दही का त्याग है तो क्या वह छाछ का भी उसका त्याग हो जाएगा क्या? कृपया समाधान। ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन स्थान में छाछ को मट्ठा बोलते हैं। दही को बिलोर दिया और छाछ हो गई, बस ऐसा नहीं। छाछ का अर्थ उसमें से संपूर्ण रूप से घी निकल चुका हो। घी निकलने के बाद वो छाछ है, बिल्कुल पतली छाछ, कांजीर बोलते हैं। यहाँ तो बस दही को बिलोर दिया और हमारा छाछ ही है, तो वो दही कहलाएगा। ईमानदारी बरते हैं, क्योंकि भगवती आराधना के संबंध में कहा, 6 वर्षों के त्याग के बाद अंत में छाछ लेने की बात कही गई। तो इससे सिद्ध होता है उस प्रसंग में यह विचार करना चाहिए कि दही का निकला हुआ, दही के बाद बिल्कुल पूर्णता उसमें से घी निकल गया, तो फिर वो छाछ का रूप लिया जा सकता है और ले सकते हैं। लेकिन यदि उसमें घी का अंश है तो बराबर दोष आएगा। केकड़ी से पंडित अंकित जैन शास्त्री इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, पर्याप्तक अपर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक में क्या अंतर है, कृपया समझाने की कृपा। कल प्रश्न आया था, कल बता दिया था। गुना से पूनम जैन की जिज्ञासा है। कोई जीव कोई अन्य पर्याय धारण किए बिना लगातार 6 बार मुनि बन सकता है या नहीं, कृपया समाधान कर। क्यों नहीं बन सकता? बन सकता। जैन कॉलोनी इंदौर से डॉक्टर कल्पना जैन की जिज्ञासा है। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, तत्वार सूत्र के 2 अध्याय में छायोपशमिक भाव की परिभाषा में स्पर्धक एवं निषेध शब्द आए हैं, ये स्पर्धक और निषेध क्या होते हैं, कृपया अर्थ बताने की कृपा करें। स्पर्धक बोलते हैं शक्त्यंशों को, उस शक्त्यंश के एक पुंज को बोलते हैं निषेध। निषेध के अनेक अनेक भेद होते हैं। एक समय प्रबद्ध निषेध भी होते हैं और एक निषेध भी होता है। स्पर्धक यूँ मान लो, एक गेहूँ का दाना जो है वह एक निषेध है, और गेहूं के दाने के अंदर वो शक्ति जितनी है वो शक्त्यंश कहलाते हैं। अब निषेकों को हम, एक निषेक जो होता है एक स्वतंत्र रूप से कर्म वर्णा से बनता है, 9 कर्म वर्णाओं से बनता है। एक कर्म वर्णा, एक 9 कर्म वर्णा को निषेक कहते हैं। उसके अंदर जो शक्ति है उसको बोलते हैं स्पर्धक। अब इसको समय प्रबद्ध निषेक
एक समय प्रबद्ध निषेक में अनंत अनंत निषेक होते हैं, उसको एक समय प्रबद्ध निषेक कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। सिरोन से अनुज्ञा जनन की जिज्ञासा है, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि नारकी लोग आपस में मारकाट करते हैं तो क्या उन्हें पाप नहीं लगता? क्या यदि लगता है तो वहाँ से आकर कुछ जीव आने वाले काल में तीर्थंकर क्यों होते हैं? कृपया समाधान। पाप लगता है उनको, क्यों नहीं लगता, लेकिन वो खुद तो पिटते भी तो हैं, वो पीटते भी हैं तो पिटते भी हैं, तो पीटते समय पाप बनता है, पिटते समय पाप कट जाता है। सीधी सी बात है, पीटने में जितना पाप लगा, उन्होंने किसी को डंडा मारा, पीछे से किसी ने उनके खोपड़ी में मार दिया, ले सब उधर लिया दिया, सब बराबर हो गया, ऐसा मानना चाहिए। कोटा से सुमन जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, भगवान को सुगंधित शरीर किस पुण्य से मिलता है और मलमूत्र रहित शरीर किस पुण्य से मिलता है? हित मित प्रिय वचन विशेषण किस पुण्य से मिलते हैं? सुविच्छ तथा विशेषण किस पुण्य से मिलते हैं? अगर वे बताने अभी सब पुण्य सभी पूछ लो ना, किस पुण्य से मिलते हैं? सब उनके पुण्य से मिलते हैं, उनके पूर्व भव में उन्होंने अपने आप में निर्विचिकित्सा अंग को जीता है, पूर्व भव में उन्होंने गिलानी को जीत कर वैयावृत्ति की है, जो गिलानी को जीत कर वैयावृत्ति करते हैं, और उन्होंने मुनि तन मलन नगेन गिनावे अति घृणावने लोगों को भी वैयावृत्ति करने को किए, उन्होंने किसी भी व्यक्ति से घृणा नहीं किया, ऐसा सुगंधित शरीर मिला, मलूत्र आदि का उनको मिला, कभी उन्होंने ऐसे भक्षाभक्ष नहीं खाए होंगे, और उन्होंने तो इस प्रकार के उनके सब कार्य पुण्य हैं, जितने 10 अतिशय हैं वे पुण्य से ही मिलते हैं। नागपुर से सुरेंद्र कुमार जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अगर कोई बीमार हो, हार्ट पेशेंट हो, लेकिन उनके नियम बहुत सारे हों, तो क्या वो श्रावक प्रतिमा व्रत धारण नहीं कर सकता, व्रत प्रारंभ नहीं कर सकता? कृपया समाधान करें। अब ये सब पेशेंट है तो फिर दवाइयाँ भी तो लेना पड़े, उसको क्या है, अभ्यास रूप में बन जाएगा, ठीक है अभ्यास करे वो। तो महाराज जी, पूछना है कि हमारे जो व्रत हैं, क्या वो सारे व्यर्थ हो जाएंगे अगर प्रतिमा नहीं लेंगे तो? व्यर्थ नहीं होंगे, लेकिन निर्दोष नहीं होंगे। फिरोजाबाद से प्रासुक जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आचार्य कुंदकुंद स्वामी के ग्रंथों को पढ़ने के लिए एक श्रावक को क्यों मना किया जाता है? उनमें ऐसा क्या है? शास्त्र कितने प्रकार की होती हैं और एक श्रावक को कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए? कृपया समाधान करने की कृपा। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो कि वो व्यक्ति जब तक आरंभ और परिग्रह का त्याग नहीं करें, ऐसे सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने का निषेध किया जाता है, एक बात। दूसरी बात है, विद्यार्थी जिस क्लास में अभी पहुंचे ही नहीं, उस कोर्स को पढ़ के क्या करोगे? अभी तुम्हारी वो क्लास ही नहीं, और तुम अपने क्लास का कोर्स जिस कक्षा में हो वो तो पढ़ नहीं रहे हो, और दूसरे की कक्षा की क्लास का कोर्स पढ़ रहे हो, तो ये समझदारी थोड़ी है। हाँ, पहले अपनी कक्षा का कोर्स पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ने के बाद यदि दूसरा देखना है तो देखो, पहले तो अपनी कक्षा के श्राप का आचार में तो फैलो, और मूलाचार पढ़ रहे हो तो ये अपनी योग्यता के अनुसार भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि योग्यता के अनुसार पढ़ोगे तो वो तुम्हारे कार्यकारी होगा, और जो तुम्हारे आउट ऑफ कोर्स है उसको पढ़ोगे तो ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन पास का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। परवणी महाराष्ट्र से सुंदरलाल सिंह, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि वो जीव 11वें गुणस्थान से नीचे आने के बाद कब और कितने भव के बाद मोक्ष जा सकता है, और उपशम श्रेणी जीव कितनी बार चढ़ सकता है? कृपया समाधान करने का। उपशम श्रेणी चढ़ने के बाद भी व्यक्ति अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकता है, असंख्यात 24 ही तक अधिकतम। एक जीवन में उपशम श्रेणी 2 बार चढ़ सकता है। पूरे जीव अनंतानंत काल में व्यक्ति 4 बार उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, 4 बार से ज़्यादा। ऋषभ जैन, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जो मंदिर का निर्माण करवाने के लिए राशि प्रदान करता है, वो खुद वह कर्जदार है जिसने लिया है, उनका पैसा नहीं देता है, और धर्म में कार्य में पैसा देता है, क्या उसको मंदिर के निर्माण कार्यों का पुण्य प्राप्त होगा? कृपया समझ। कोई व्यक्ति कर्जदार है, मंदिर में दान देता रहता है, लेकिन बाहर का पैसा नहीं देता, तो उसको पुण्य लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? वो चीज़ अलग है, एक चीज़ अलग है, और वो किस रूप में कर्ज है, कैसा है, ये सब चीज़ों पर विचार किया जाएगा। इसको एकांत रूप से हम निषेध और समर्थन नहीं करेंगे, ये विचारणीय विषय है। विनय गंगवाल, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, पंचमेरु जी नंदीश्वर दीप के जिनाले में विराजित जिन बिंब के वर्णन
वर्ण और आकार, उनकी सुंदरता का वर्णन आपके मुख से सुनकर हम उनकी कल्पना में साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं, कृपया के ये संभव है समाधान। वर्ण का तो कोई उल्लेख मिलता नहीं है, अकृत्रिम चैत्यालयों में वर्ण कैसा है ये विशेष उल्लेख अलग एक सम अलग से नहीं मिलता। सामान्य रूप से श्वेत कलर के, सामान्य रूप से स्वर्ण कलर के, इस प्रकार का वर्णन मिलता है। नख के लाल, नख के जैसे होते हैं ओंठ लाल हैं, ना आँखें नीली हैं, मतलब जैसी होती हैं वैसी हैं। तो इस प्रकार का कुछ वर्णन नंदीश्वर भक्ति के अंतर्गत किया है पूज्यवर कुंदकुंद महाराज ने, पूज्यपाद स्वामी ने, पूज्यपाद स्वामी नंदीश्वर महाराज। कुंदकुंद भगवान ने तो मात अंचल का लिखी है, पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी महाराज ने थोड़ा सा वर्णन किया है, लेकिन पूरे समय अकृत्रिम चैत्यालयों की मूर्तियों का वर्ण क्या होता है इसके संबंध में कोई विशेष स्पष्ट उल्लेख नहीं है। बस इतना है वे रत्नमयी होती हैं, रत्न खचित होती हैं। उदयनगर इंदौर से प्रियंक जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, अभी हम पंचम काल भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप में हैं और हम सब ये जानते हैं कि ढाई द्वीप जहाँ तक मनुष्य जा सकते हैं, और इन ढाई द्वीपों में पाँच भरत, पाँच विदेह, पाँच ऐरावत क्षेत्र होते हैं। विदेह क्षेत्र को हटा दें तो पाँच भरत और पाँच ऐरावत क्षेत्र हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या पांचों भरत और पांचों ऐरावत क्षेत्र में काल अभी समान है, जैसे यह पंचम काल है तो दूर से क्षेत्रों में भी यही है क्या? और अगर है तो हम इन दसों क्षेत्रों में कहीं भी जा सकते हैं या वापस आ सकते हैं, कृपया समाधान करें। पांचों भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में यही काल है, सब कुछ ऐसा ही व्यवस्थाएँ चल रही हैं। हो सकता है वहाँ भी कोरोना फैला हो, ऐरावत में भी हो, कोई कह नहीं सकते, लेकिन जो पंचम काल की व्यवस्था आज है ऐसे पांचों भरत पांचों ऐरावत में हैं, लेकिन हम और आप वहां जा नहीं सकते। रचना जैन की एक जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जिस व्यक्ति पे सबसे ज़्यादा भरोसा होता है और उसी व्यक्ति से हमको धोखा क्यों मिलता है, कृपया समाधान करने की कृपा। वो क्या कहता है? जिस व्यक्ति पे सबसे ज़्यादा भरोसा होता है उससे ही हमको धोखा क्यों मिलता है? उससे धोखा, अरे वो ही तो धोखा देगा, जो उससे भरोसा नहीं वो धोखा क्या देगा, वो तो उससे भरोसा ही नहीं। सगा व्यक्ति ही दगा दे तभी तो मजा है, और वो ही तो दगा कहलाता है। बाकी जो अपना सगा है ही नहीं वो तो उसका दगा का सवाल ही नहीं उठता। आज प्रातःकाल का प्रश्न आप सुने, कितनी बड़ी बात है, जितने अपने अनुकूल हैं वे ही हमारे लिए ज़्यादा शांति का कारण है। और भवांतरों में भी जितने बैर भाव देखे हैं उन्हीं में देखे जो कल सगे थे और आज दुश्मन हैं। देखो ना, दो भाई भाई की तरह जन्मते हैं और दुश्मन की तरह मरते हैं, सब में देख लीजिए तो इसे कितने लोग हैं। जितने जितने बैरी बने हैं वो कहीं ना कहीं पहले से रागी थे। कहते हैं ना, अधिक मीठा में कीड़ा जल्दी पड़ते। राग का अंत नियम से द्वेष में होता है। दो पार्टनर बहुत अच्छी तरह मित्रता से साझेदारी करते हैं, लेकिन जब बंटवारा होता है तब तो दुश्मन बन जाते हैं। तो ये संसार की नीति है कि राग हमेशा द्वेष में परिवर्तन करके ही नष्ट होता है बहुतायत। सावधान रहना चाहिए, हर व्यक्ति पर इतना विश्वास मत करो कि वो दगा दे जाए और तुम्हें पता ही नहीं चले। विश्वास करने वाला विष देता है। अपने खुद के ऊपर इतनी सावधानी रखो ना। हमारे नीतियों में कहा गया, अपने मन पर भी विश्वास मत करो। अच्छा जो राजा होता है वो अपने मन पर भी विश्वास नहीं करता, ये मन का भी कोई भरोसा नहीं कब कहाँ बिगड़ जाए। यहाँ तक कि अपने परिवार में अपनी पत्नी पर विश्वास मत करो, राजा के लिए कहा। हर बात इतने विश्वास, क्योंकि क्या पता पत्नी पीहर की है, कहीं अपने माँ बाप को बता दे वहाँ से बात लीकेज हो जाए। अपनी माँ पर भी विश्वास मत करो, राजा से कहा। और जब उन्होंने अपने खुद के मन पर विश्वास करने को कह दिया कि मन भी विश्वसनीय नहीं है, अच्छे व्यक्ति जो होते हैं वे अपने मन पर भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि मन कभी इतना अच्छा हो जाता है और कभी इतना खोटा हो जाता है कि कई बार तो स्वयं पर झुंझलाहट आती है, स्वयं के ऊपर झुंझलाहट आती है कि मन क्या तमाशा कर रहा है। कभी तो इतनी विशुद्धि बढ़ा देता है और कभी इतने निकृष्ट परिणाम कर देता है।
ज्ञानी व्यक्ति को जितनी झुंझलाहट दूसरों पर नहीं आती उसको अपने खुद के मन पर आती है। इसलिए कहा कि मन को काबू में रखो और मन पर ज़्यादा विश्वास मत करना। तो अपने आप मेरा तो यही कहना है, नीतियाँ यही कहती हैं, अपने जीवन पर सदा पूर्ण विश्वास किसी पर नहीं करना। कोई भरोसा नहीं है, आस्तीन के सांप हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। अपने लोग भी हमारे लिए बहुत धोखा देते गए। कौन सा संबंध है ऐसा शास्त्रों में जिसमें धोखा नहीं दिया? माँ ने सुकौशल को खाया, भाई ने भाई को मारा, कितना एक संबंध बताओ जिस संबंध में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो। सावधानी ही कुंदकुंद भगवान यही कहते हैं, तुम्हारा यत्नाचार ही तुम्हारी जिंदगी की सुरक्षा है, कोई सुरक्षित नहीं। कितने बॉडीगार्ड लगा दो, इंदिरा गांधी को बॉडीगार्ड नहीं मारा था, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा था सालों भर में, करोड़ों खर्च होता था सुरक्षा में, लो सुरक्षा कर्मी ने इंदिरा गांधी को मार दिया। अपने लोग ही मार देते, अपने लोग ही मार डाले, और मारते ज़्यादातर निकटवर्ती ही हैं। विश्वसनीय व्यक्ति ही विश्वासघात करता है, सावधान रहो। यही बात महाराज जी आपने प्रवचन में कहा था ना, विश्वास में विष का वास होता है। आपने प्रवचन में कहा था विश्वास में विष का वास होता है। हाँ, विश्वास में एक गाना आता है ना, विश्वास में विष का वास है ऐसा। दिल्ली से एस के जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि अगर कोई बात है तो मन में रखना ही श्रेष्ठ है या मन से बाहर निकाल देना सबसे श्रेष्ठ है, कृपया समाधान। बाहर निकाल करके दूसरे पे फेंक देना, निकालने का अर्थ क्या? वहाँ निकालो जहाँ तुम्हें शांति मिले और सामने वाला आकुल व्याकुल नहीं हो। अपने मन में कोई बात चल रही दूसरे को कह के उसको और अशांत कर दो, दूसरे की और शांति भंग कर दो। निकालने का भी स्थान होता है। कोई भी अंदर यदि घुटन हो रही है तो उसको कहाँ निकालना चाहिए? ऐसे व्यक्ति के सामने निकालो जहाँ पर वो भी चिंता में ना जाए और तुम्हारे लिए भी कोई समाधान दे सके। भोपाल से महक जैन की जिज्ञासा है, 16 कारण भावनाओं में बहुश्रुत भक्ति भावना का आया है, तुम्हारा जी बहुश्रुत भक्ति भावना का अर्थ क्या है? बहुश्रुत की बात है कि यानी आकुलता ऐसा, मैं सब श्रुत ज्ञान करूँ और करूँ और करूँ, इतना याद कर लिया, इतना पढ़ लिया, अपने आप पढ़ने की आकुलता, ज्ञान की आकुलता, स्वाध्याय करने के प्रति लगन, बहुश्रुत बहुत, यानी कभी कितना भी पढ़ ले भे तो भी ये कहे अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, अभी तो बहुत पढ़ना है, बहुत ज्ञान करना है, बहुत ज्ञान करना है। कभी भी तत्व चिंतन से आघाता नहीं है, और करने का भाव आता है, इसको बोलते हैं बहुश्रुत भक्ति। बीरठ से नेहा जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी क्या हम मंदिर से गंदोदक लाकर और उसमें कपड़ा भिगो दें और जब कपड़ा सूख जाए तो उस कपड़े को जल में भिगो कर गंदोदक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? देखो ये आगम का वचन तो है नहीं, आपकी श्रद्धा है। कई लोगों ने ऐसा करके अपनी श्रद्धा से, कई लोगों ने सांगानेर का गंदोदक सुखा के रख लिया, कई लोगों ने नारेली के मुनि सुब्रतनाथ भगवान का गंदोदक सुखा के रख लिया। आज भी उनके समाचार आते हैं महाराज हमारे पास, उस समय नारेली के मुनि सुब्रतनाथ भगवान का गंदोदक का कपड़ा लगा है। जब भी हम बीमार होते हैं उस गंदोदक में पानी डालते हैं कपड़े में और लगा लेते, हमें बड़ा फायदा होता है। अब ये श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, इसमें कोई मिथ्यात्व भी नहीं है, इसमें कोई धर्म का नाश ही नहीं है। आस्था का बहुत बड़ा रूप है बंधु, आस्था बहुत बड़ी है। आस्था में जहाँ होती है वहाँ नकारना नहीं, पर जहाँ मिथ्यात्व का दोष आए, गुरु कुदेव को शास्त्रों का दोष आए, वहाँ की श्रद्धा को नकारना इसमें कोई बाधा नहीं है, ऐसा करते हो तो। कोटा से नविता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री अगुरु लघुत्व और अवगहनत्व का सिद्धों में क्या क्या कार्य होता है, ये दोनों एक से ही प्रतीत होते हैं, कृपया समझाएं। नहीं, दोनों में अंतर है। अवगहनत्व का अर्थ है कि अपने सिद्ध दशा जहाँ है वहाँ अनंत परमाणुओं को, अनंत धर्माधर्म द्रव्यों को, अनंत आने वाले सिद्ध परमेश्वर को अवगहन देना। और अगुरु लघु गुण का अर्थ है प्रति समय जो पर्याय निकल रही हैं, अगुरु लघु गुण के विकार को अर्थ पर्याय कहते हैं।
तो जो अर्थ पर्याय निकलती हैं उनके लिए अविभागी प्रतिच्छेद देना, और सामान्य अवरोहण का अर्थ है कि ना तो कम देना ना ज़्यादा देना, ना भारी करना ना अधिक हल्का करना, तो दोनों बिल्कुल भिन्न है, दोनों का स्वभाव भिन्न है। दिल्ली से नीरजा जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरु जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराष्ट्री, अगर कोई व्यक्ति कोई स्त्रोत्र बिना अर्थ समझे पढ़े और उच्चारण भी पूरी तरह सही ना हो पाए तो उसे कौन से कर्म बंध का आश्रय होगा? कृपया गलती नहीं करना, लेकिन गलती होती है तो कोई बात नहीं, आपको कोई बंध, लेकिन गलती चलाकर नहीं करना। जितनी सावधानी हो उतनी सावधानी बरतना चाहिए, और अच्छे लोग जब मिलते हैं तो उनसे उच्चारण करना सीख लेना चाहिए। चरगवा से प्रवल जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराष्ट्री के चरणों में नमोस्तु। महाराष्ट्री, प्रथमोपशम, सम्यक दर्शन, मन पर्याय ज्ञान, परिहार विशुद्धि संयम और आहारक द्विक, ये चारों में से कोई एक ही होता है, सभी साथ साथ क्यों नहीं होते? कृपया समाधान करें। इनके योग सारों की बिल्कुल विपरीत स्थिति है। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के साथ मन पर्याय ज्ञान इसलिए नहीं होता क्योंकि वो एक अंतर्मुहूर्त में इतना निर्विकल्प रहता है कि वहाँ मन पर्याय ज्ञान के जानने करने की कोई विकल्प नहीं आता। परिहार विशुद्धि संयम वाले के साथ उपशम श्रेणी उपशम वाला करेगा कैसे? और यूँ मानना चाहिए इनका नियोग है, कुछ प्रकृतियाँ अपने आप स्वभाव से निषेध है इनका। सभी इंद्रियाँ हैं लेकिन सभी इंद्रियों का काम अलग अलग है। कान देख नहीं सकता, जिस समय देखते हैं उस समय सुन नहीं सकते, तो ये प्रकृति के नियम है कि परिहार विशुद्धि संयम, आहारक दुख, मन पर्याय ज्ञान और प्रथम सम्यक दर्शन, ये एक साथ नहीं हो सकते। प्रतापगढ़ से कविता उज्ज्वल जैन की जिज्ञासा है, मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराष्ट्री, में पूछना चाहते हैं कि अगर हम भक्तांबर जी या तत्वार सूत्र या नमोकार मंत्र अगर पढ़ना हो तो रात्र में कभी भी भक्तांबर नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ सकते हैं। यूएसए से श्रीमती अंशु जैन की जिज्ञासा है, पूरे परिवार सहित पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जीवन में सबसे सुलभ व सबसे दुर्लभ क्या हासिल करना है? मोक्ष प्राप्त करने के लिए कम से कम कितना ज्ञान जरूरी है जिससे काम बन जाए? कृपया समाधान करने की कृपा करें। वेद विज्ञान ही काफी। आत्मा स्वभाव प्रभाव भिन्नम, मैं समस्त प्रभावों से भिन्न है, पर नैमित्तिक परिणाम मेरे नहीं है और मैं इन सबसे भिन्न हूँ, एक आत्मा का स्वभाव ही। अष्ट प्रोषण मात्रिका का ज्ञान भी यानी पांच समिति तीन गुप्तियों का ज्ञान है तो भी काफ़ी होता है। भैंसदेही जिला बैतूल से अभिषेक मोदी इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराष्ट्री, वैष्णव दर्शन के अनुसार दुर्योधन ने कर्ण को राज्य देकर उसको एक सम्मानजनक पद देकर उसका मान बढ़ाया, इसलिए दुर्योधन उपकारी होने के कारण कर्ण ने उसका युद्ध में साथ दिया। लेकिन जैन धर्म में पांडव और हरिवंश पुराण में ऐसा कोई कारण नहीं बताया है जहाँ दुर्योधन का कर्ण पर कोई उपकार था, जबकि कर्ण तो पहले से ही राजा भानु का पुत्र होने के कारण राजपुत्र था, तो फिर दुर्योधन का कर्ण पर क्या उपकार था जिसके कारण युद्ध में कर्ण ने है जानते हुए भी जरासंध और दुर्योधन जैसे अधर्मी का साथ दिया? कृपया समाधान करने की कृपा करें। सबसे बड़ा, दुर्योधन की दुर्नीति को कोई समझ पाया गया? कर्ण की शक्ति को उसने सम्मानित किया था, कर्ण को सम्मानित नहीं किया था। कर्ण ने दुर्योधन के लिए एक प्रकार, जब कर्ण को भी कोई दूसरी कहीं शरण नहीं मिल रही थी तो दुर्योधन को शस्त्र बनाया, और दुर्योधन एक कमजोर आदमी था, उसे कर्ण जैसा शक्तिशाली चाहिए था। तो ये राजनीतिक संधि थी, ना कि एक अंतरंग शक्ति थी। कर्ण के लिए सब जगह से बहिष्कार मिल रहा था, और दुनिया में जिसका कहीं ठिकाना ना हो, हर जगह बहिष्कार हो, जो व्यक्ति ये जान ले कि मुझे कोई भी ठिकाना देने वाला नहीं है, वो यदि उसको कोई ठिकाना दे देता है तो वो तो उसको महान उपकार मानेगा ही मानेगा। और दुर्योधन का मामला ये था कि उसको शक्तिशाली इकट्ठा करने थे पांडवों के विरोध में, तो कर्ण के पास कुछ शक्तियाँ ऐसी थी जिस कारण से उनको आया। इसको राजनीतिक संधि मानना चाहिए, इसको आदर्श संधि नहीं मानना चाहिए। आधारताल जबलपुर से संजय मीना जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंतवार कोटि कोटि नमोस्तु। भगवान, जिन जीवों में रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता है परंतु कभी रत्नत्रय प्राप्त नहीं कर सकेंगे, तब उन्हें अभव्य सम भव्य मिथ्या दृष्टि क्यों कहा जाता है? कृपया समाधान करें। उनमें योग्यता तो है लेकिन प्राप्त नहीं कर सके, उनकी ऐसी योग्यता बनी हुई स्वभाव अभव्य है, दूरान दूर भव्य है,
योग्यताओं का किसी के पास अभाव नहीं होता है। केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति अभव्य के पास भी होती है। केवल ज्ञानावरणी कर्म को बंद को वो भी बंद कर रहा है, लेकिन कभी उसकी शक्ति प्रकट नहीं होगी, ये मानना चाहिए। नोएडा से योगेश कुमार जैन की जिज्ञासा है। पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनिवर, आपने प्रवचन में बताया था कि माँ बाप के चरण छूकर कोई भी कार्य में जाना चाहिए, उससे मंगल ही होता है। महाराज श्री जिनके माता पिता स्वर्ग सिधार गए हों तो क्या उनके चित्र को दर्शन कर जाना जा सकते हैं क्या? कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं, लेकिन चित्र के पहरादि नहीं पढ़ना, मात्र एक स्मृति आ जाती है। मैंने तो उनके लिए कहा था जो जिंदा मन के माता पिता हैं, फिर भी वो जिंदा माता पिता के मरने की चिंतन कर रहे हैं, उनसे अलग होने का चिंतन कर रहे हैं। माता पिता जिंदा हैं फिर भी उनसे अलग होकर के अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। माता पिता जिंदा हैं फिर भी वो उनकी सेवा करने में मुँह कर मन में विकल्प आ रहा है। माता पिता जिंदा हैं फिर भी उनके मरने का भाव कर रहे हैं। मैंने उन निकृष्ट लोगों के लिए कहा था कि माता पिता की उपेक्षा मत करो, ये सगुण हैं, मांगलिक हैं, कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आ रहे हैं, लेकिन यदि घर में विद्यमान भी हैं तो उनका उपस्थित रहना ही मंगल है, उनका दर्शन करना ही मंगल है। वे भली कामों में पड़े हैं, वे भली पैरालिसिस में हैं, वे भली किसी भी अवस्था में हैं, घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनकी उपस्थिति शगुन के रूप में मानना चाहिए, शुभ के रूप में मानना चाहिए। वे किसी काम के नहीं हैं, लेकिन उनकी वरणाओं से, उनके आशीर्वाद से, उनके चरण स्पर्श से वो तुम्हारे बिगड़े काम बनाने में मंगल हो सकते हैं, लोक मंगल की अपेक्षा से ऐसा जाना। अंकित जनन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आदिनाथ स्वामी से पहले भी मुनि बने होंगे, अगर बने थे तो उनकी आहारचर्या किस प्रकार होती थी, क्योंकि उस समय के लोगों को आहारचर्या के बारे में जानकारी थी नहीं, कृपया समाधान। 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष व्यतीत हो जाने के पहले, क्योंकि 9 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के जो एक काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का होता है, पहले 9 कोड़ा कोड़ी उत्सर्पणी के, फिर 9 कोड़ा कोड़ी अवसर्पणी के, 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पहले इस भारतवर्ष में मुनि महाराज हुए हैं। अब कितना लंबा काल निकल गया, 18 कोड़ा कोड़ी सागर निकल जाने के बाद फिर जाकर के उसके पहले मुनिराज थे, सब भूल भाल गए, चरिया ऐसे ही थी, ऐसे ही रूप था। सारंगपुर से डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल, इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि अलोकाकाश का स्वभाव कैसा है, इसमें अवकाश देने की शक्ति है, कृपया समाधान करने की शक्ति। बराबर है, अवगाहन देने की शक्ति बराबर अलोकाकाश में है, क्योंकि आकाश अखंड द्रव्य है। आष्टा से डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा है। परम पूज्य परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, सभी द्रव्य अपने अपने में रहते हैं, फिर आकाश द्रव्य कैसे सभी द्रव्यों को अवगाहन दे सकता है, कृपया समाधान। उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र लिख दिया, स्वप्रतिष्ठित आकाश द्रव सबको सहारा देता है, और आकाश स्वयं स्वप्रतिष्ठित है, ऐसा उसका नियत है, नियोग। अहमदाबाद से वृत्तिका जैन, इनकी जिज्ञासा है। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, महावीर पुराण में उल्लेख मिला है कि हरिशयन कुमार अष्टमी एवं 14 के दिन पाप कर्मों को त्याग कर प्रोषद व्रत का आचरण करते थे, तो गुरुदेव ये प्रोषद व्रत क्या होते हैं, कृपया इनको समझाने की कृपा। प्रोषदों बाद यानी प्रतिमा होती है, पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा, चौथी प्रतिमा को पुरुषदोपवास कहते हैं। न्यूयॉर्क और पुरुषदोपवास का अर्थ होता है सप्तमी को एकासन करना, अष्टमी को उपवास करना, और नौमी को एकासन करना, 13 को एकासन करना, 14 को उपवास करना, और पूनम को अमावस्या को एकासन करना, ये उत्कृष्ट प्रोषद कहलाता है। मध्यम प्रोषद कहलाता है कि सप्तमी और नौमी को दोनों टाइम खाना, अकेला अष्टमी का 14 का उपवास करना। जघन्य पुरुषदोपवास कहलाता है सप्तमी अष्टमी और नौमी तीनों दिन एकासन करना, और सामान्य रूप से अंत में कहा गया है कम से कम अष्टमी 14 को एक टाइम भोजन तो करना ही, इससे आगे कोई प्रोषद नहीं होता। न्यूयॉर्क से कुलदीप जैन की जिज्ञासा है। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, पादानुसारिणी रिद्धि
चतुर्दश पूर्वित्व अष्टांग महानिमित्त ये रिद्धियों के नाम है महाराज जी इनकी, ये क्या होती है कृपया समझाने की कृपा करें। पादानुसारिणी पहली, चतुर्दश पूर्वित्व अष्टांग महानिमित्त। पादानुसारिणी होती है पद के अनुसार, एक पद को याद कर लेते हैं मान लो नमः श्री वर्धमानाय, ये एक पद हो गया। अब इस पद को लेकर के वो पूरा का पूरा इस संबंधी विषय का पूरा ज्ञान कर लेते हैं। और चतुर्दश पूर्व तो होते ही है, 14 पूर्वों का ज्ञान विशेष रूप से होना। अष्टांग महानिमित्त होते, अष्ट महानिमित्त होते हैं, तो अष्ट निमित्तों के माध्यम से जो भविष्य को जान लेते हैं, घटनाओं को जान लेते हैं उसे बोलते हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य नरियापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में देश विदेश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित सुधा कलश चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, देखने वाले, सुनने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर बनने वाले सहस्कूट जनालय में एक प्रतिमा 1/71 में सहस्कूट में श्रीमती सुगम जैन पत्नी स्वर्गीय रमेश चंद जैन अंकुर पुत्र चांदखेड़ा अहमदाबाद, दूसरी प्रतिमा जो कि कल अक्षय तृतीया पर ही आ गई थी लेकिन चूंकि व्हाट्सएप पे देख नहीं पाए इसलिए आपकी घोषणा तृतीया में हो रही, देवेंद्र कुमार श्रीमती संगीता साजन वैशाली हिमानी टिया सिंगाई समस्त साजन बोरवेल्स परिवार गुना, एक प्रतिमा बसंती लाल अरुणा प्रियंक पूनम धैर्य डोसी कुन्हाड़ी कोटा, एक प्रतिमा जिन्होंने 1/71 की जगह 1/75 किया है चंद्र प्रकाश उर्मिला प्रियंका सुरभी दिव्या सबदरा किशोरा पाटन, एक प्रतिमा देवेंद्र कुमार पारस श्रेया सविता साडुमल निवासी प्रवासी टीकमगढ़, और तीर्थ रक्षक बनने में 1/11 में शांतिलाल संतोष देवी विकास पिंकी दीपक प्रिया काम यामिनी कौशल दर्शिल तेजिका छावड़ा फल्टन बाजार गुवाहाटी, और जिन्होंने क्षेत्र जीर्णोद्धार हेतु 11,000 रुपए की राशि दी है अशोक कुमार उर्मिला अंशु पूजा रिद्धि कासरीवाल परिवार दुर्गापुरा जयपुर, 11,000 उमेश अरुणा रितु अमनिवेश अनुकृति पंकज आमर्स, 11,000 रुपए की राशि सौकांत सैला प्रकाश अनूप मुगली प्रांजल जतिन मेहता केवल जतिन मेहता कोल्हापुर महाराष्ट्र, और 11,000 रुपए की राशि अरहम एवं विमल जैन मुक्तासार पंजाब से। चंदोदा तीर्थ में चलने वाले चांदखेड़ी में विधान असीम कालीन में नाम आए हैं हर्ष आकांक्षा सेठी श्रीमती मखमली बाई माणक चंद सेठी आभा प्रकाश सेठी इंदौर, एक विधान महावीर जैन रूपा सुरेश सुशीला रानी तोसिफ वैभव जैन आगरा, और चंदोदा तीर्थ में एक और विधान आया है अशोक कुमार अभिषेक सुधीर जैन सन्मति प्लास्टिक स्मृति नगर इंदौर। आइएगा हम चलते हैं जिज्ञासा समाधान की ओर रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा परिवार का निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर महाराज को त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर हमारी जिज्ञासा है कि तीर्थंकरों को श्रीवत होता है तो यह श्रीवत क्या जन्म से आता है कि बाद में होता है, और बाद में होता है तो कब होता है, जैसे बाहुबली भरत आदि को नहीं है, तो हे गुरुवर और इस श्रीवत की क्या महत्ता है। इस श्रीवत एक प्रकार का समाधान शुभ संकेत होता है, जिनके 5 कल्याणक मनाए जाते हैं वे तीर्थंकर श्रीवत्स का चिन्ह लेकर के ही आते हैं। 1008 चिन्हों में श्रीवत्स को भी एक चिन्ह विशेष रूप से होता है, लेकिन पृथ्वानों के ग्रंथों में बहुत सारे राजाओं के संबंध में श्रीवत्स की चर्चा है। राजा अरविंद को श्रीवत्स का चिन्ह था ऐसा शास्त्रों में आता है, और भी कई लोगों को श्रीवत्स का चिन्ह था। भरत चक्रवर्ती के संबंध में भी मिलता है कि वो श्रीवत्स से सुशोभित थे, लेकिन सबके लिए हो कोई नियम नहीं, लेकिन पंच कल्याणक वालों को जरूर होता है, यूँ मानना चाहिए। श्रीवत्स एक उनकी सारी एक मंगलता का सारी उनकी पवित्रता का एक प्रतीक होता है। श्रीवत्स ही बगलाता है, ये अपनी बाह्य और अभ्यंतर दोनों लक्ष्मी के स्वामी होंगे, लेकिन स्वामी तो बाह्य लक्ष्मी बहुत सारों के पास होती है। श्रीवत्स का अर्थ है इनकी दोनों पक्षों की जो लक्ष्मी है ये जगत कल्याणी होगी, ये इनकी लक्ष्मी का कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे। श्री यानी लक्ष्मी, वत्स यानी उसका सदुपयोग सारे जगत के लिए करेंगे।
सारे जगत के कल्याण के लिए करेंगे। उनकी शक्ति कभी किसी को दुख देने वाली विनाशक नहीं होती, यह श्रीवत्स का विशेष रूप कहलाता है। मूर्तियों में श्रीवत्स के स्थान से ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा हमेशा गंधो जब भगवान के ऊपर पड़े तो वो श्रीवत्स को स्पर्श करके आना चाहिए। श्रीवत्स को स्पर्श करके जो गंधोदक आएगा वो गंधोदक ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा पावरफुल होगा और उसके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा आती है। इसलिए श्रीवत्स के बहुत सारे विकल्प, बहुत सारे मंगल स्वरूप होते हैं। अगली जिज्ञासा अपना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सब बहनों का कोटिशा नमन। मुनि श्री जिज्ञासा है कि 13वें प्रकृति की सत्ता वाला क्या उपशम श्रेणी चढ़ सकता है? नाम कर्म की 13वें प्रकृति होती है और 13वें प्रकृति में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला है, और यदि वह उपशम श्रेणी चढ़ता है तो फिर 11वें गुणस्थान से गिरेगा अभी, तो फिर वर्धमान चरित्र कैसे बनेगा? जबकि 13वें की सत्ता वाला उपशांत मोह में भी बनाया है, तो वह कैसे घटित होगा? जिज्ञासा है। 13वें की सत्ता वाला उपशम श्रेणी बहुत अच्छी तरह चढ़ सकता है। इसको दो तरीके से विचार करें। गोमरसार जीव कांड में और पूज्य बरबीर सेन स्वामी महाराज ने भी, सभी आचार्य इसमें एक मत हैं, तीर्थंकर की सत्ता 11वें गुणस्थान तक पाई जाती है। उसका मूल कारण दो तरीका। पहला तरीका है कि किसी जीव ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया और अभी इसी भाव में मोक्ष नहीं जा रहे हैं, तो तीर्थंकर की सत्ता तो बन गई लेकिन उस भाव में वे उपशम श्रेणी चढ़ सकते। देवायु का बंध है या किसी ने आयु बंद नहीं किया, देवायु का बंद कर लिया या आयु का बंद नहीं किया और तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया और वो जाकर के उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं दो बार, और मरण करके वो सर्वार्थ सिद्धि या अन्य यथायोग विमान में चले गए। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाने से तीर्थंकर की सत्ता बन गई और उपश्रेणी चढ़ गया, उसी भाव में मोक्ष नहीं गया। दूसरा प्रसंग, किसी जीव ने उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है जिनके अभी 5 कल्याणक नहीं हुए। 5 कल्याण सामान्य है, 4थे गुण स्थान में उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, 5वें गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, उसके अभी कोई पंच कल्याणक नहीं बनाए गए, अभी कोई उसने चारित्र ग्रहण नहीं किया और उसके समय उसके मन में ऐसा उपशम श्रेणी चढ़ने का भाव आ जाए तो उनका वर्धमान चारित होता है कि नहीं होता, ये अभी विचारणीय प्रश्न है। जो 5 कल्याणक वाले होते हैं उनका तो नियम से वर्धमान चारित्र होता ही है, लेकिन जिन्होंने मुनि बनने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है, 1 पूर्व कोटि वर्ष तक वे मुनि बने रहे और 1 पूर्व कोटि वर्ष में अंत में जाकर के कुछ समय उनका 10-20 साल 50 साल उनका शेष रहा, तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और तीर्थंकर प्रकृति बंद करके अब इनका भी वर्धमान चारित होता है या नहीं होता ऐसा आगम वचन नहीं है। चलो इनको लिए फिर भी छोड़ दें अपन कि उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके वो 11वें गुणस्थान नहीं जावे, कोई बात नहीं, लेकिन 13वें प्रकृति का सत्ता वाला एक भाव पहले तीर्थंकर प्रकृति की बांध करके और उपशम श्रेणी चढ़ करके स्वर्गाधिक चला गया तो मानने में कोई बाधा नहीं है, 13वें की सत्ता बन जाती है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ब्रह्मचर्या के निरतिचार पालन में अंतराय किए बिना जैन संस्कृति के संरक्षण संपोषण के माध्यम से संसार दुख कर्दम में गिरते हुए प्राणियों के हस्तावलंबन प्रदाता अस्माकम आराध्य गुरुवर परम पूज्य मुनिपुंगवश्री के तपह पूज चरण कमलों में श्रमण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत संचालित 12वीं वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम परिवार की ओर से प्राचार्य अरुण कुमार जैन का सश्रद्ध त्रिकाल त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु।
पूज्य प्रभात, उक्त द्वादश वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम की परीक्षाएं अक्टूबर 2020 में आयोजित होना तय थी, परंतु कोरोना महामारी के प्रकोप बस संभव नहीं हो सकी। स्वाध्यायार्थियों एवं अनेक प्रबुद्ध जनों से प्राप्त सुझाव अनुसार विचार विमर्शोपरांत आप श्री के आशीर्वाद पूर्वक दिनांक 20 जून से 30 जून 2021 तक ये परीक्षाएं अब ऑनलाइन आयोजित होना तय की गई हैं। ऑनलाइन परीक्षा के ट्रेनिंग के लिए एक वीडियो बना करके व्हाट्सएप के माध्यम से सभी स्वाध्यायार्थियों को भेजा जा रहा है, तथा रिहर्सल की दृष्टि से दिनांक 3 जून 2021 को सभी विद्यार्थियों के लिए एक ट्रायल एग्जाम का आयोजन हो रहा है, जिससे सभी परीक्षा विधि से परिचित हो जाएंगे। ये परीक्षाएं 20 जून से 22 जून तक हो रही हैं, परंतु जो स्वाध्यायार्थी इन दिनों में परीक्षा नहीं दे सकेंगे उनके लिए द्वितीय अवसर की परीक्षाएं दिनांक 1 जुलाई से 3 जुलाई 2021 के मध्य आयोजित होंगी। पूज्यवर, हम सब स्वाध्यायार्थी एवं आयोजक संस्थान को आपके आशीर्वाद की विशेष अपेक्षा है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। 2 वर्षों से इसी प्रकार परीक्षा के संबंध में विकल्प करना पड़ रहा है, जो अभी प्राचार्य महोदय ने आप लोगों को सूचित किया, तदनुसार अपनी परीक्षा की तैयारी करें और सबके लिए मेरा आशीर्वाद। बंधु, ये टाइम टेबल टीवी की फ्लैश पर चल रहा है, मैं एक बार बोल देता हूँ। प्रथम अवसर जिनको अर्जित करना है परीक्षा के लिए द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम में, सिद्धांत प्रभाकर प्रथम वर्ष 20 जून सिद्धांत प्रवेश का भाग 1, 2 और 3 एवं 6 डाला, इसका टाइम रहेगा 20 जून को 1:30 से 2:30 तक, और व्रत कथा कोष भाग इसी 20 जून को व्रत कथा कोष भाग 1 और 2 के टाइम रहेगा 3:30 से 4:30 तक। सिद्धांत प्रभाकर द्वितीय वर्ष 21 जून स्टोप देश एवं रत्नाकरण श्राप का आचार, इसके एग्जाम का समय रहेगा 1:30 से 2:30, और आदि पुराण भाग 1 का एग्जाम का समय रहेगा 3:30 से 4:30। सिद्धांत प्रभाकर तृतीय वर्ष 22 जून को द्रव्य संग्रह एवं पद्मनंदी पंचविंशति का दोपहर में 1:30 से 2:30, और आदि पुराण भाग 2 का 3:30 से 4:30। और जो लोग इस समय नहीं दे पाएंगे उनको द्वितीय अवसर मिलेगा। सिद्धांत प्रभाकर प्रथम वर्ष 1 जुलाई सिद्धांत प्रवेश का भाग 1, 2, 3 एवं 6 डाला के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक टाइम वही रहेगा, डेट 1 जुलाई हो जाएगी। दोपहर में व्रत कथा कोष का भाग वही 3:30 से 4:30, और सिद्धांत प्रभाकर द्वितीय वर्ष 2 जुलाई स्टोप देश एवं रत्नाकरण श्राप का 4:30 से 2:30, और आदि पुराण भाग 1 का 3:30 से 4:30। सिद्धांत प्रभाकर तृतीय वर्ष का कोर्स की एग्जाम रहेगी 3 जुलाई को द्रव्य संग्रह एवं पद्मनंदी पंचविंशति का 1:30 से 2:30 बजे तक, और आदि पुराण भाग 2 का 3:30 से 4:30 तक। इसके बाद आप टीवी फ्लैश पर देख लेंगे और ये टाइम टेबल नोट कर लेंगे, अन्यथा संस्थान से संपर्क करेंगे अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। माइक चालू करो। स्वाध्याय वालों से मेरा कहना है कि सबसे पहले आप लोग प्रथम परीक्षा को ही दे। प्रथम परीक्षा देने वाला विद्यार्थी का बहुत अच्छी तरह काफ़ी जांचने का सबका विधिवत होता है। द्वितीय परीक्षा में आप आगे के कोर्स के लिए तैयारी नहीं कर पाएंगे, फिर महीनों बाद आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपका अगली साल बिगड़ जाती। इसलिए सभी विद्यार्थी प्रथम परीक्षा ही देने का प्रयास करें। किसी कारणवश महिलाओं आदि को उस समय परीक्षा देने की स्थिति नहीं रहती है अशुद्धि आदि में, उन्हीं के लिए ही दूसरा रखा गया है। बाकी कभी दूसरा एग्जाम दुनिया में कहीं होता नहीं, होता है तो वो फेल होने वालों को होता है सेकंड एग्जाम। तो पहला सब लोगों के लिए यही तैयारी करना है, हम प्रथम एग्जाम ही देंगे। प्रथम प्रथम ही कहलाता है, सेकंड सेकंड ही कहलाता है। अगली जी क्या पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मुनिश्री सप्त परम स्थानों में, सप्त परम स्थान तो उपादेय होते हैं, प्राप्त करने योग्य होते हैं, उसमें एक साम्राज्य आता है, तो यहाँ साम्राज्य से अभिप्राय क्या लेना है, कौन से साम्राज्य को प्राप्त करना है, हमें कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमो स्थान एक गृहस्थों के लिए कहे गए, और गृहस्थों के परम स्थान जब होते हैं तो यदि वो परम स्थान के लिए, क्योंकि यदि मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाया तो साम्राज्य का अर्थ होता है वहाँ इंद्रदत्त पद प्राप्त करता है, और वहाँ से आकर के वह सम्राट बनता है, राजा बनता है।
तो एक सम्यक दृष्टि का, एक ज्ञानी पुरुष का पूरा जीवन का क्रम क्या होता है, मोक्ष जाने के बीच में जब तक वो सम्यक दृष्टि है तो वह क्या क्या बन सकता है, सभी ये पूरे पांच जो सात परम स्थान हैं सभी जीव प्राप्त करें ऐसी बात नहीं। कुछ लोग सीधे निगोद से आकर निकल करके मोक्ष चले जाते हैं। ये एक परिभ्रमण काल का कि सम्यक दर्शन जिस जीव के पास है और तो वो सम्यक दृष्टि क्या करता है, यहाँ से सम्यक दर्शन रहेगा, वहाँ से देव इंद्रादिक पद प्राप्त करेगा, वहाँ से आएगा तो उच्च कुल में आएगा, उच्च कुल में आएगा राजा महाराजाओं के यहाँ जन्म लेगा, आएगा तो दीक्षा लेगा, संयम लेगा। तो ये सात परम स्थान जो हैं ये इस अपेक्षा से उत्कृष्ट की अपेक्षा मानना चाहिए अधिकतम। जैसे इसके लिए तो ये साम्राज्य का अर्थ है अच्छे कुल में समस्त प्रकार के अभावों से रहित एक इज्जत वाला, धन वाला, स्वस्थ वाला, वैभव वाला, हुकूमत वाला, इन सब से युक्त होगा। समंत्रभद्र महाराज ने लिखा ना, ओजस तेजो विद्या विजय विभव सनाता महाकुला मा हर्ता मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। सम्यक दृष्टि को क्या कहा, मानव तिलक होता है वो, तो उन्होंने जिस ढंग से कहा वही तो यहाँ साम्राज्य का अर्थ है। ऐसा अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं स्वीटी गौरव छाबड़ा दिल्ली से। गुरुवर मेरा प्रश्न है कि अगर सम्यक दृष्टि तत्वार्थ सूत्र पढ़ता है तो उसको सम्यक ज्ञान होता है, परंतु अगर मिथ्या दृष्टि तत्वार्थ सूत्र पढ़े तो उसे मिथ्या ज्ञान प्राप्त होता है, तो क्या फिर मिथ्या दृष्टि कभी भी सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा? यहाँ पर मिथ्या दृष्टि किसे कहा है और हमें कैसे पता चले कि हम सम्यक दृष्टि हैं? नमोस्तु गुरुवर। तत्वार्थ सूत्र मिथ्या दृष्टि नहीं पढ़ सकता ऐसा नहीं कहा। पहली बात तो हम मिथ्या दृष्टि का निर्णय कैसे करें, निर्णय ही नहीं हो सकता। यदि आप ये कहें कि हम चरणानुयोग के अनुसार वो जैन कुलीन है, शुद्ध आचरण पाल रहा है, षड आवश्यक पाल रहा है, तो हम चरणानुयोग के अनुसार उसे सम्यक दृष्टि मान लेते हैं। तो चरणानुयोग के अनुसार सम्यक दृष्टि मान लेंगे तो ठीक है, फिर उस अपेक्षा से आप कह सकते हैं। लेकिन जो गृहित मिथ्या दृष्टि है वो भी तत्वार सूत्र आदि पढ़ने में कोई बाधा नहीं हो सकता है, उसको पढ़ करके वह करे पढ़ सकता है। हाँ ये बात जरूर पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने धवला जी में कहा कि सिद्धांत और सूत्रों को सम्यक दृष्टि को ही पढ़ावे, पढ़ने के संबंध में नहीं लिखा उन्होंने। सम्यक दृष्टि सूत्रों को, सिद्धांत ग्रंथों के सूत्रों को सम्यक दृष्टि को ही उपदेश देता है, क्योंकि अन्य मिथ्या दृष्टियों को देने से उसका अनादर होता है, उसकी उपेक्षा होती है और वो सूत्र ग्रंथ कहलाते हैं। ये प्रसंग वहाँ आया। सामान्य रूप से तत्वार सूत्र एक संग्रहित ग्रंथ है, तो उसके लिए यदि कोई पढ़ता है ज्ञान के लिए तो ऐसा निषेध तो नहीं कर सकते हैं, ऐसा माना। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार के ओर से बारंबार नमोस्तु महाराज जी। मैं निर्मला गोदा बिजोलिया से। मेरा क्वेश्चन है महाराज जी, अशुभ भावों को छोड़कर शुभ भावों को ग्रहण करने के लिए क्या करें? और दूसरा क्वेश्चन है, बफर सिस्टम को गिद्ध भोजन का नाम क्यों दिया है? कृपया शंका का समाधान कीजिए। अशुभ भावों को छोड़कर शुभ क्रिया, शुभ संगति, शुभ विचार, शुभ कार्य करो, शुभ भाव बने रहें। जैसा निमित्त मिलता है वैसे भाव होते। अशुभ लोगों की संगति में रहोगे तो अशुभ भाव होगा, शुभ लोगों की संगति में कहोगे तो शुभ भाव मिले। ज्ञानी से ज्ञानी मिले दो दो बातें होएं, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो दो दो लातें होएं। सीधी बात है, मूर्ख से मूर्ख मिलेंगे तो मूर्ख बातें होंगी, और ज्ञानी से ज्ञानी मिलेंगे दो दो बातें मिलेंगी। तो संगति के ऊपर, निमित्तों के ऊपर आधारित होता है। दूसरा क्या है? बफर सिस्टम को कोई शास्त्रीय बफर सिस्टम तो है नहीं। गिद्ध जैसे झूमते हैं, एक साथ टूटते हैं सभी उसी बर्तन में, सब लोग खाते रहते हैं। गिद्ध भोजन एक प्रकार की उसकी निकृष्टता बताने के लिए उपाधि दी है। जैसे एक जानवर को सारे गिद्ध मिलकर के लौटते हैं, इसी प्रकार एक ही बर्तन में रखे हुए
सामान को लोग गृद्ध बन करके उसको, पहले वो गृद्ध भोज तो अब खत्म हो गया, अब तो कुत्ता भोज चालू हो गया। पहले गृद्ध भोज था कि तसला रखा रहता था, उसी में से सब जाके उठाते थे, अपने हाथ से उठाओ और खाओ। पहले रैदास उठा ले गए, फिर रामदास उठा ले गए, फिर जिंदास उठा ले गए, और कुछ भी करो लाइन से लगी। अब तो कुत्ता भोज हो गया, अब उठाने की परंपरा करो, कैटर्स परोसते हैं। लेकिन कुत्ता भोज क्या कहलाता है, कुत्ता जहाँ भी आप टुकड़ा डालोगे वहाँ नहीं खाता, उठा करके वो थोड़ी दूर जाता है। इसी प्रकार आज कुत्ता भोज में क्या है, कैटर्स वहाँ देगा, पर वहाँ से लेकर के कोई उड्डोली पे बैठा है, कोई उड्डोली पे बैठा है, कोई यहीं देखता रहता हूँ सामने, अंदर से परोस के लाते हैं, एक उधर खा रहा है, एक उधर खा रहा है, एक उधर खा रहा है, यही चल रहा है कुत्ता भोज। अंदर से लाते हैं और बढ़िया एक थाली में लाएंगे अंदर से, और खाते भी चले आ रहे हैं, सब देख रहा हूँ बिल्कुल, खाते चले आ रहे हैं और बाहर। भोज वही सही है जिस स्थान पर परोसा जाता है उसी स्थान पर खाया जाता है। पहले पत्थर परोसी जाती थी, उस स्थान से उठ करके कहीं नहीं जाएगा वो, और यदि बीच में उठ गया तो उसको दंड मिलता था। तो जहां भोजन परोसा जाए एक स्थान पर बैठो, भोजन लेने नहीं जाओ, भोजन देने वाला तुम्हारे पास आवे वो भोजन कहलाता है। ये तो भिखारियों का भोजन है, तुम लेने जाते हो वहां कैटर्स करा दो, मिले माए लेना पड़ता है, थाली हाई करना पड़ती। और वास्तविक रूप से स्वाभिमान के साथ बैठो, तुम्हारी थाली लाके रखेगा वो, और यहां आके परोसे वो भोजन सम्मानी भोजन करता है। तुम्हें जाकर के मांगना पड़ रहा है, और लेकर के भी वहां नहीं खाओगे, यहां वहां भटक के खाओगे। तो अब तो थोड़ा विकास हो गया, पहले तो गिद्ध भोजन चलता था, अब कुत्ता भोजन चलता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं मंजुलता छाबड़ा जयपुर से। महाराज जी, इस कोरोना काल में आपने कल अक्षय तृतीया पर दान का महत्व बताया, और दोपहर में विधान भी बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ जो हम सब ने किया। प्रदीप भैया जी ने बहुत ही शुद्ध उच्चारण के साथ हवन के मंत्र पढ़े, तो प्रश्न यह है महाराज जी, क्या विधान के बाद हवन होना अनिवार्य है, और इन मंत्रों का क्या अर्थ है, हमें इनके भाव समझा दीजिए। नमोस्तु महाराज। पहली बात तो ये हवन होना जरूरी है। हवन में क्या होता है कि हमने जो पूजाएं की हैं उन पूजाओं का मुझे फल क्या मिलना चाहिए, उन पूजाओं के बदले में हम क्या चाहते हैं, और उस सारी चीज़ों का मंगल स्वरूप है, पुण्यावाचन भी इसे बोलते हैं। इसलिए हवन का अब सभी मंत्रों के अर्थ बता नहीं सकते, आध घंटे में होता है पूरा हवन। हर मंत्र के अलग अलग व्यवस्थाएँ हैं, अलग अलग मंत्र हैं, सच जाता है परम जाता है ऐसे सब लिखे, तो ये सब शुभ भावना है। मैंने जो पूजा की है उससे मैं सच जाति को प्राप्त हूँ, परम जाति को प्राप्त हूँ, और भी जो हैं, अब किताब हो तो हम एक सब बता देते हैं, अब जिज्ञासा में तो सीमित बता पाएंगे। उन सब ने अपनी भावना, मैंने पूजा किस पर्पज से की, मुझे क्या क्या चाहिए है, उन सब की अभिव्यक्तिकरण है। इसलिए हवन के बिना विधान का समापन नहीं होता है, हवन होना ही चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मुनिश्री, मैं सौम्या जैन जबलपुर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करती हूँ। मुनिश्री, जैसा कि सभी विधान, शांति विधान, भक्तांबर विधान करने के बाद हम हवन क्रिया करते हैं, और उस हवन क्रिया में हम धूप खेते हैं, परंतु मुनिश्री ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ पर हवन की जगह पर पुष्प थाली में डालते हैं, तो क्या मुनिश्री ये पुष्प डालना हवन की जगह सही है, क्या ऐसा कर सकते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो क्या इसमें हमें उतना ही पुण्य मिलता है जितना हवन करने में मिलता है। मुनिश्री क्या सकते, देखो ये कल आजकल कोई चावलों से भी हवन करते हैं लोग, कुछ चावलों से कुछ लौंगों से करते, ठीक नहीं, अग्नि में ही हवन होना चाहिए। हवन का जो धुआं है वो धुआं का भी एक अपने आप में साइंस है, एक सुगंधित दीपक जलाना, एक मंगलिक और एक आरती करके दीपक जलाना, एक भगवान के चरणों में दीपक जलाना, तो वो अग्नि पूर्वक ही होना चाहिए। बस ये है कि उसमें धूप आदि शुद्ध हो, मर्यादित हो,
और मर्यादित ही धूप डालना चाहिए, बाजार की आधी धूप नहीं डालना चाहिए, लेकिन अग्नि से ही हवन होना चाहिए। इसमें 13 और 20 का कोई विकल्प नहीं है, ये सबके लिए मान्य होता है। 11,000 रुपए की राशि पदम कांत दारा देवी, राजीव कांत, अमित जैन कांत जैन गदिया, सर्वोदय कॉलोनी अजमेर। 11,000 रुपए की राशि जय कुमार श्रीमती शकुन जैन, भारतीय परिवार छपारा। 11,000 रुपए की राशि उर्मिला कमल अमित रोहित आरुष रितिका अनुभूति उर्मिला जैन, कोपरी कॉलोनी थाने। 13,100 हेमलता डोली अमन जैन घाटमपुर कानपुर। और 11,000 रुपए की राशि कांता जैन अजमेर। इन्होंने इस क्षेत्र के जीर्णोद्धार हेतु प्रदान की। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। जगत पूज्य निर्यापक मुनिराज के चरणों में हम सभी का अनंतानंदवार कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी यह जिज्ञासा तत्वार्थ सूत्र से है। इसमें एक सूत्र आता है तन्निसर्गाद अधिगमात्वा। सूत्र में तत् का अर्थ वह सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगमज से होता है। तत् एक वचन है तो केवल सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण बताए हैं, तो क्या सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति में कोई कारण नहीं है कि वो निसर्गज और अधिगमज होते हैं? होते हैं यदि तो कैसे? कृपया जिज्ञासा। सम्यक दर्शन में जो है वही निसर्गज और अधिगम भेद से होता है, और सम्यक दर्शन के जाए जो सम्यक ज्ञान है वो तो स्वतः अपने आप ही होता है, लेकिन जब ज्ञान और चारित्र की बात आती है ये निसर्गज नहीं होते, ये कभी भी जाति स्मरण से नहीं होते। निसर्गत का अर्थ पूज्यवर सर्वार सिद्धिकार ने, पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज ने, सभी ने ये लिया कि अन्य प्रभावों में जाति स्मरण आदि के माध्यम से जो सम्यक दर्शन होता है वह निसर्गत सम्यक दर्शन कहलाता है। तो चारित्र जाति स्मरण से नहीं हो सकता, चारित्र तो साक्षात होता है, साक्षात कोई निमित्त पाकर के स्वयं प्राप्त करता है, स्वयं का आज स्वयं होता है, निसर्गज नहीं। निसर्गज की जो परिभाषा आचार्य ने बनाई उसमें चारित्र नहीं हो सकता। एक सामान्य सम्यक ज्ञान जो दर्शन के साथ होता है वो तो निसर्गज ही होगा सामान्य रूप से, लेकिन ज्ञान की वृद्धि यदि हम करना चाहें तो वो पर प्रत्यय रूप होती है, स्वयं अपने आप ज्ञान प्रकट कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में पर का आलम्बन लिया जाता है ऐसा मानना चाहिए। इसलिए वहाँ सम्यक दर्शन को ही निसर्गज और अधिगमज मानना, ज्ञान को और चारित्र को नहीं। अगली जिज्ञासा सुशीला जी भागुदार। मेरे आराध्य गुरु को मेरा और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि औदायिक भाव औपाधिक भाव किसे कहते हैं? औदायिक भाव औपाधिक भाव ये दोनों एक ही भाव कहलाते हैं। औपाधिक कहलाते हैं कि किसी निमित्त को लेकर के, औदय कहलाते हैं कर्म के उदय को लेकर के। तो ये दोनों भाव निषेध हैं, हे हैं। जैसे अपने जिस कर्म का उदय आया अपन ने वैसे ही परिणाम कर लिए, क्रोध का उदय आया क्रोध कर लिए, राग का उदय आया राग कर लिया, द्वेष का उदय आया द्वेष कर लिया। जैसे कर्म के उदय आए वैसे औदायिक भाव। औपाधिक भाव कहलाते हैं जो सामने आया, दुश्मन आया तो हमने गुस्सा कर लिया, अपना प्रिय व्यक्ति आया राग कर लिया, जैसा सामने निमित्त आया वैसे ही हमारे परिणाम हो जाते हैं, ये औपाधिक कहलाते हैं। और वो कर्म सिद्धांत को लेकर के है, ये सामान न कर्म को लेकर के है ऐसा माना। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री दीपक जैन दामाद, श्रीमती प्रीति जैन पुत्री, निहारिका जैन नातिन, अर्णव जैन नाती, श्री सौरभ जैन दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन पुत्री, अमायरा नातिन, आराध्या जैन नातिन, श्री नितिन जैन पुत्र, श्रीमती शिल्पा जैन पुत्र वधु, अद्वैय जैन पौत्र, अद्विका जैन पौत्री। B&A Manufacturers and Exporters of Fine Jewelry, Advay Jewels LLP Manufacturer and Exporters of Diamond Jewelry, 5 Ansari Road, Dariaganj, New Delhi 110002.